इससे यकीन कर लीजिए इंशाल्लाह ताला आपकी जितनी भी गहरी छाइयां होंगी चेहरे की वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आप इसको रंग साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप इसे अपनी स्किन के दाग धब्बे दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, छाइयों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत कम चीजें आपको चाहिए, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये मत कहिएगा ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, जो दिखाऊंगी वो सब मिल जाएगा, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, इंशाल्लाह ताला आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तीन चीजें चाहिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती होती थी केले पर्ल क्रीम का, आप ये देख लीजिए इस तरह की होती है, मैंने कुछ वीडियोस में बताया भी है फ्रेंड्स को और वो ये कहते हैं कि हमें मिलती नहीं है, ये कितनी कॉस्टली भी नहीं है। उसके बाद हमें एलोवेरा जेल, ये तो सबको ही पता है, आप फ्रेश ले लें पौधे से ज्यादा बेस्ट है, और लास्ट पे सूथिंग लोशन। बस तीन चीजों, तीनों चीजों से इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसको क्योंकि बना के रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी देर की बना के रख सकते हैं, आधा चम्मच एलोवेरा जेल का लूंगी। उसके बाद इसमें बराबर ही मिकदार में मैं सूथिंग लोशन मिलाऊंगी। ये आम लोशन से हटके होता है, इसका आपको फौरी रिजल्ट मिलता है। जैसा कि मैंने ब्लीच की दो वीडियोस बनाई हैं, उसमें सूथिंग लोशन को मैंने जो है वो शामिल किया है। इससे यूं होता है कि आपका रिजल्ट दोगुना हो जाता है, यानी हमें रेमेडी का जितना रिजल्ट मिलना होता है उसमें अगर हम सूथिंग लोशन को ब्लीच में किसी चीज में शामिल करेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाता है डबल। ठीक हो गया, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको चूंकि स्टोर कर सकते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है, फ्रिज के अंदर रख लें तो ये आपकी चल जाएगी। मैं थोड़ी सी बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए, इसी हिसाब से आप ज्यादा बनाना चाहें तो रिजल्ट जो है वो चीजें बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने मुझे फीडबैक लाजमी देनी है और शेयर भी लाजमी किया करें, हो सकता है ये किसी के काम आ जाए। छाइयों का आजकल मसला बहुत सारे लोगों को है। अच्छा ये देखें, थोड़ी सी इसमें मैं ये क्रीम लूंगी, इतनी सी। एक और बात बताते चलो, आप इसको जो है वो इसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकती हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन उससे ये होगा कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। बाकी चीजों की इसमें जो जरूरत है ज्यादा रिजल्ट लेने के लिए वो हमने इसमें शामिल कर लिए हैं, ताकि हमें रिजल्ट अच्छा भी मिल जाए और हमारी स्किन को किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं हो। अच्छी तरह से मिक्स करने में इसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने अच्छी तरह से यकजान करना है इसको। जो नए फ्रेंड ने पहली वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नजर आ रहा है, सुरख कलर का, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही एक बेल का बटन बन जाएगा, आपने उस बटन पे भी क्लिक करना है, उससे आपको नई वीडियो का फौरी मैसेज मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा आप तमाम फ्रेंड्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी वीडियो पे किसी किस्म का बैड कमेंट मत किया करें। मैं डिलीट उसको कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि कोई वजह नहीं होती बुरे कमेंट्स करने की, तो मैं आप लोगों को सिर्फ ब्लॉक ही कर सकती हूँ, यही हो सकता है। इसीलिए रेगुलर फ्रेंड्स कभी इस तरह की गलती मत करें, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई नहीं, उल्टा मुझे दुख होता है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा छाइयां हैं वो इसमें क्रीम की जो है वो मिकदार बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया, अब तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये क्रीम की जेल की शक्ल में देखिए आ गई है। तो आपने इसको जो है वो आपको, आप लोग सीधे साधे इतने हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसको अप्लाई किस तरह से करना है, इसलिए मैं करके दिखा देती हूँ। थोड़ी सी क्रीम आपने ले लेनी है, उसे अपने हाथ, सॉरी ये देखें, हल्के हाथ से, बस हमें जज़ब करना है इसे हाथ में अच्छी तरह से,
और एक चीज और बताती चलूं, जितने हल्के हाथ से आप इसको सारी जज़्ब कर देंगे कि आपको इसको साफ नहीं करना पड़े टिश्यू या टॉवल के साथ, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आजकल गर्मी है तो किसी भी क्रीम का या किसी भी रेमेडी का रिजल्ट डबल हो जाता है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सर्दियों की निस्बत। ठीक हो गया, अच्छी तरह से इसे मैं जज़्ब करूंगी। आपने इसी तरह से देखिए क्रीम को लेना है, जज़्ब हो गई ना कितनी आसानी से। गर्मी की वजह से ये काफी जो है वो ऑयली नहीं है, ये इसमें किसी किस्म का ऑयल नहीं है। क्रीम की वजह से ऐसा है या लोशन की वजह से, आपको तकरीबन 4-5 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से जज़्ब करने में। अगर आप साफ कर देंगे 1-2 मिनट के बाद थोड़ा रिजल्ट स्लो आएगा, लेकिन अगर आप इसको यूं जज़्ब कर देंगे अपने जिल्द के अंदर, ये चेहरे के लिए, हाथों पे सिर्फ आपको करके दिखा रही हूं, और ऐसा नहीं कि हाथों पे करने से कोई नुकसान होगा, हाथों पे करने से ये होगा कि आपके हाथ भी साफ सुथरे हो जाएंगे। हाथों और पैरों का भी ख्याल रखना चाहिए चेहरे के साथ साथ। आपने इस तरह से अप्लाई करने के बाद इसको जो है वो 10 मिनट के लिए छोड़ देना। अब मैं 10 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगी, ये दिन के टाइम के लिए, यानी अप्लाई करने के बाद आप इसको छोड़ दें, और रात में आपने इसको सारी रात लगा रहने देना, सारी रात ये लगा रहेगा। सुबह उठ के आपने इसको वॉश कर देना, खाली क्रीम को भी आप अप्लाई कर सकते हैं उससे, लेकिन ये होगा कि रिजल्ट थोड़ा स्लो आएगा। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, एलोवेरा जेल और सोथिंग लोशन से जो है वो रिजल्ट इसका डबल हो जाएगा। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं फौरी तौर पर आपको दिखा दूंगी। 5-4 मिनट करने से कोई खास रिजल्ट सामने नहीं आएगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कैसे ढूंढेंगे तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच